वेलकम टू मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने देखा टैली सॉफ्टवेयर क्या है, तो इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाएंगे, आपका जो भी कोई वेब ब्राउज़र है उस वो खुलेंगे, वहाँ पर जाके आप सर्च करेंगे www.tallysolutions.com। तो ये जो है ये टैली का ऑफिशियल वेबसाइट है कि जो हमेशा अपडेट होता रहता है, वो कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें करते रहते हैं। कि अभी आपको ये जो डिस्प्ले दिख रहा है वैसा ही आपको, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब दिखेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये बदल भी सकता है। ये आदमी आपको दिखे या ना दिखे ये कोई मायने नहीं रखता, आपको क्या देखना है तो खाली www.tallysolutions.com ये साइट पर ही आपको जाना है, जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाई है। तो वहाँ पर जाके आपको डाउनलोड सेक्शंस में जाना है। डाउनलोड सेक्शंस कभी नीचे भी रह सकता है, ऊपर अभी रह सकता है, कहाँ पर भी रह सकता है, लेकिन आपको डाउनलोड्स पे जाना है। वहाँ पर जाकर आपको टैली के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है उसकी लिस्ट मिलेगी। ये लिस्ट है यहाँ पे टैली के कौन से जो वर्जन्स अभी तक हुए आए हुए हैं, वो लिस्ट आपको आपको यहाँ पर दिखेगी। तो आपको इस बार हम जो सीखने जा रहे हैं वो टैली ईआरपी 9 का रिलीज 6.4 जो है वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आप इंस्टॉल नाउ आपको दिखेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वो पूछेगा कि आपको ये फाइल सेव करनी है क्या, तो आपको ये सेव फाइल पे क्लिक करना है। तो आपका जो कोई भी इसका लोकेशन है वहाँ पर, वो मतलब जहाँ पर आपके डाउनलोड्स की फाइल्स जो है वो सेव होती है, वहाँ पर आप ये फाइल सेव हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ये सेटअप फाइल जो है वो ऐसे दिखती है, जो मैंने अभी फ़िलहाल मेरे डेस्कटॉप पे कॉपी करके ली है। तो अब इंस्टॉल करने के लिए सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर वो ये आपको परमिशन पूछेगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना चाहता है क्या, आप चाहते हैं क्या, और उससे जो कोई भी चेंजेस आपके डिवाइस पर होते हैं वो आप करना चाहते हैं क्या। तो यहाँ पर आपको येस बोलना है। आपको ये विंडो दिखाई देगी, यहाँ पर वो आपको इंस्टॉलेशन फोल्डर का पाथ पूछेगा। फिलहाल तो मैं ये सी प्रोग्राम फाइल्स टैली ईआरपी 9 करके नए फोल्डर में ये सेव करना चाहता हूँ। अगर आपको किसी दूसरी जगह पर ये सेव करना है तो भी आप वो दूसरी जगह का पाथ यहाँ पर दे सकते हैं, जहाँ पर वो आप टैली इंस्टॉल करना चाहते हैं। टैली इंस्टॉल हो रहा है फिलहाल। टैली इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ये टैली ईआरपी 9 का नया आइकॉन जो है वो आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देगा। सो अगली बार से आप आपको जब टैली सॉफ्टवेयर खोलना चाहते हैं तो आप पर आप ये आइकॉन पे डबल क्लिक करके टैली के में काम करना चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल टैली ईआरपी 9। सो यहाँ पर मैं डन पे क्लिक करूँगा तो इमीजिएटली मेरा टैली सॉफ्टवेयर जो है वो खुल जाएगा। तो ये है टैली सॉफ्टवेयर अभी जो हमने डाउनलोड किया है, तो वो फ़िलहाल ऐसा दिखता है। तो ये स्टार्टअप का जो फाइल रहता है, स्टार्टअप का जो आइकॉन रहता है, उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको ये विंडो सबसे पहले दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस्ड कॉपी है टैली का, तो एक्टिवेट करने के लिए आपको ये पहला ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करना है एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आपका अर्लियर कोई लाइसेंस है वो डीएक्टिवेट हो गया है, वो आपको रीएक्टिवेट करना है, तो आप रीएक्टिव योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करते हैं। देन इफ यू आपके पास रेंटल लाइसेंस है वो आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, तो आपको गेट अ रेंटल लाइसेंस पे जाना होता है। आपको एग्जिस्टिंग लाइसेंस आपका जो है वो कॉन्फिगर करना है, तो आपको ये ऑप्शन दिया है।
अगर आपको दूसरे किसी का टैली जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि वर्क फ्रॉम होम भी टैली में पॉसिबल है, तो लॉग इन एज अ रिमोट यूज़र करके आप वो कर सकते हैं। उस पर हम एक नया वीडियो बनाएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लिए कि अगर आप घर में बैठे और आपको आपके ऑफिस का डेटा एक्सेस करना है तो लॉग इन एज अ रिमोट यूज़र करके आप टैली यूज़ करना चालू कर सकते हैं। और अब हम जो देखने जा रहे हैं तो वो है एजुकेशनल मोड। सो टैली का एजुकेशनल मोड जो है वो बिल्कुल ही फ्री है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो हम आज देखते हैं कि एजुकेशनल मोड में टैली कैसे रन किया जाता है। तो मैं ये एजुकेशनल मोड यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो डबल वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाके मैंने अभी एंटर दबाया है, तो ये मेरा पहला जो विंडो है वो आ गया है। इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।